हाय हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका क्रेजी फॉर बॉलीवुड में। मैं शुभांगनी फिर से हाजिर हूँ आपके सामने लेकर आज की 10 बड़ी हेडलाइंस। तो आइए शुरू करते हैं आज के बॉलीवुड काउंटडाउन की गाड़ी। नंबर 1, शाहरुख खान के लाडले आर्यन खान जल्दी ही अपने प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने वाले हैं। जी हां, आर्यन खान ने खुद अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर जानकारी शेयर की है। आर्यन खान ने अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट की झलक शेयर करते हुए बताया कि वो प्रोजेक्ट की स्क्रिप्ट राइटिंग पर काम कर रहे थे, जो फाइनली पूरी हो गई है और अब वो बस उस घड़ी का इंतजार कर रहे हैं जब उन्हें एक्शन कहने का मौका मिलेगा। आर्यन के जरिए शेयर की गई तस्वीर में देखा जा सकता है कि क्लैप बोर्ड पर शाहरुख खान के प्रोडक्शन हाउस रेड चिलीज का नाम लिखा है। उसके पास में प्रोजेक्ट्स की स्क्रिप्ट रखी है जिस पर लिखा है फॉर आर्यन खान, और साथ ही आर्यन का हाथ भी नजर आ रहा है। पोस्ट के कैप्शन में उन्होंने लिखा, राइटिंग का काम पूरा कर लिया है, एक्शन बोलने का इंतजार नहीं कर पा रहा हूँ। बता दें कि आर्यन को शाहरुख और गौरी खान ने भी ब्लेसिंग्स दिया है। नंबर 2, अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ स्टारर फिल्म बड़े मियां छोटे मियां को लेकर एक अपडेट और सामने आई है। पूजा एंटरटेनमेंट के बैनर तले बन रही इस फिल्म में अब साउथ सुपरस्टार पृथ्वीराज सुकुमारन की एंट्री हुई है, जो फिल्म में विलेन बने हैं। इस बात की जानकारी फिल्म के मेकर ने और अक्षय कुमार ने दी है। अक्षय कुमार ने पृथ्वीराज की तस्वीर वाली एक पोस्टर शेयर करते हुए लिखा, द बड़े मियां छोटे मियां फैमिली जस्ट गॉट बिगर एंड हाउ वेलकम ऑन बोर्ड दिस क्रेजी एक्शन रोल कोस्टर, लेट्स रॉक इट बडी। नंबर 3, काजोल ने अपने फेवरेट को स्टार शाहरुख खान के साथ दोबारा स्क्रीन शेयर करने को लेकर बड़ा खुलासा किया है। दरअसल एक इंटरव्यू में जब काजोल से पूछा गया कि क्या वो दोबारा शाहरुख के साथ स्क्रीन शेयर करेंगी, तो उन्होंने इसका जवाब दिया और कहा कि अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है और मुझे नहीं पता, शायद हमें उनसे ही पूछना चाहिए। हालांकि काजोल ने ये भी कहा कि वो शाहरुख खान के साथ फिर से काम करना पसंद करेंगी, लेकिन फिलहाल किसी फिल्म की स्क्रिप्ट उनके पास नहीं आई है। बता दें कि दोनों आखिरी बार 2015 में आई रोहित शेट्टी की फिल्म दिलवाले में साथ नजर आए थे। नंबर 4, सारा अली खान और आदित्य रॉय कपूर जल्दी ही अनुराग बसु की अपकमिंग फिल्म मेट्रो इन दिनों के जरिए एक साथ स्क्रीन शेयर करने वाले हैं। आदित्य और सारा स्टारर ये फिल्म मौजूदा वक्त पर बेस्ड सामाजिक रिश्तों की खट्टी मीठी दास्तां को स्क्रीन पर दिखाएगी, और आज के दौर में जो चीजें चल रही हैं उसमें आदित्य और सारा की एक नई जोड़ी भी देखने को मिलेगी। बता दें इस फिल्म में अनुपम खेर, नीना गुप्ता, पंकज त्रिपाठी, कोंकणा सेन शर्मा, अली फजल और फातिमा सना शेख जैसे एक्टर्स भी नजर आने वाले हैं। नंबर 5, अजय देवगन स्टारर दृश्यम 2 अपने हाई स्पीड से कमाई के मामले में कई बॉलीवुड फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ रही है। रिलीज के 19वें दिन भी लोगों में विजय सलगांवकर और उसके परिवार की कहानी को जानने की एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है। ऐसे में बॉक्स ऑफिस पर दृश्यम 2 ने अपनी धाक जमाने में सफल हुई है और दृश्यम 2 की वर्ल्ड वाइड अब तक की कमाई का आंकड़ा करीब 271.99 करोड़ के पास पहुंच चुका है, और फिल्म ऐसे ही चलती रही तो जल्दी ही दुनिया भर में 300 करोड़ की कमाई भी कर लेगी। नंबर 6, रणबीर कपूर, श्रद्धा कपूर, लव रंजन के डायरेक्शन में बन रही एक फिल्म की शूटिंग स्पेन में कर रहे हैं। ऐसे में अब इस अनटाइटल्ड फिल्म के सेट से एक वीडियो लीक हो गया है और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में रणबीर कपूर और श्रद्धा कपूर एक रोमांटिक गाने की शूटिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में रणबीर ऑरेंज कलर की शर्ट में नजर आ रहे हैं, वहीं श्रद्धा ने येलो शॉर्ट ड्रेस कैरी किया हुआ है। अब इस वीडियो को देखने के बाद फैंस भी सुपर एक्साइटेड हो चुके हैं। बता दें कि ये फिल्म अगले साल मार्च में यानी होली के मौके पर रिलीज होगी। नंबर 7, कंगना रनौत ने इरफान खान के बेटे बाबिल के पहले फिल्म नेटफ्लिक्स ओरिजिनल कला देख ली है, और फिल्म को देखने के बाद डायरेक्टर अन्विता दत्त और बाबिल और तृप्ति डिमरी की जमकर तारीफ भी की है। उन्होंने कहा कि ये अब तक की बेस्ट मूवी है। एक्ट्रेस बाबिल खान की एक्टिंग की भी कायल हो गई हैं। कंगना ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में ये भी लिखा कि वो फिल्म से अपनी नजरें नहीं हटा पा रही थी। नंबर 8, रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण ने हाल ही में एक साथ मिलकर अपने सपनों का महल खरीदा है। दोनों अपने इस नए घर में एंट्री के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। अब हाल ही में रणवीर ने एक इंटरव्यू में बताया कि शादी के बाद वो दीपिका के साथ उनके घर में रह रहे थे, लेकिन अब दोनों एक साथ में खरीदे गए घर में शिफ्ट होंगे। रणवीर ने कहा कि दीपिका घरेलू नेचर की हैं और नए घर को काफी प्यार से डेकोरेट कर रही हैं। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, रणवीर और दीपिका का ये नया घर करीब 119 करोड़ का है। नंबर 9, पंकज त्रिपाठी, संजना सांघी स्टारर अनटाइटल्ड फिल्म फ्लोर पर आ गई है। ये फिल्म एक दुखी परिवार के एक साथ आने की दिल को छू लेने वाली कहानी है। इस फिल्म की शूटिंग मुंबई और कोलकाता में की जा रही है और 2023 में रिलीज होने की उम्मीद है। फिल्म में पंकज और संजना के अलावा पार्वती थिरुवोथू, जया एहसान, दिलीप शंकर, परेश पाहुजा, वरुण बुद्धदेव जैसे एक्टर्स नजर आने वाले हैं।
नंबर 10, 200 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग केस के बाद जैकलिन फर्नांडिस एक बार फिर से सुर्खियों में आ गई हैं। दरअसल जैकलिन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें जैकलिन कॉस्मेटिक सर्जरी को सही करार देती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन उसमें उनका लुक देखने के बाद जब सोशल मीडिया के लोग उनकी तुलना आज के लुक से करने लगे, उसके बाद लोग अनुमान लगाने लगे कि उन्होंने भी कॉस्मेटिक सर्जरी कराई है। ये देखकर लोग उन पर जमकर भड़ास निकाल रहे हैं, लिहाजा जैकलिन को सर्जरी पर दिए गए बयान को लेकर अब लोग जमकर उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।